हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल टेक्नोलॉजी में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है Realme C12। ये मैं फ्लिपकार्ट से बाय किया हूँ, तो ये पैकेजिंग है फ्लिपकार्ट का। आज इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और दोस्तों देखते हैं कैसा रहता है पैकेजिंग, बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है, फोन हमारा कैसा रहता है, सारा चीज़ इस वीडियो में मैं मेंशन करने वाला हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बैठे हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास Realme C12 फ़ोन इस बॉक्स के अंदर है। ये देखिए, फ्लिपकार्ट से बाय किया हूँ। फ्लिपकार्ट का पैकेजिंग हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इस फ़ोन का प्राइस है 8999 और ये 3GB रैम 32GB वाला वेरिएंट में मिलता है। एक ही वेरिएंट है, दो कलर में मिलेगा, ब्लू और सिल्वर कलर। ओके, तो मेरे पास है ये ब्लू कलर, तो इसे फटाक से निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फ्लिपकार्ट से पैकेजिंग काफ़ी सही किया गया है। अंदर देखते हैं फ़ोन हमारा कैसा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा रखा हुआ है बिल, तो बिल को साइड करता हूँ। और इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फ़ोन है जो कि है Realme C12। ओके, तो फ्रेंड्स बॉक्स की बात करें तो बॉक्स हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मॉडल है C12 और Realme लिखा हुआ है। बॉक्स के इस साइड में दोस्तों Realme C12 और इस तरफ भी C12 लिखा हुआ है। ओके, डाउन में कुछ डिटेल्स मेंशन किया हुआ है। ऊपर में दोस्तों यहाँ पे Realme का लोगो। और पीछे साइड की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए Realme C12 लिखा हुआ है। सबसे पहले 6000mAh का बैटरी मिलने वाला है, 13MP का AI 3 कैमरा मिलने वाला है, 6.5 इंच का डिस्प्ले है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। डाउन में दोस्तों यहाँ पे IMEI नंबर और कलर वगैरह मेंशन किया हुआ है। ये 3GB रैम 32GB वाला वेरियंट है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे फटाक से बॉक्स को ओपन करते हैं और दोस्तों देखते हैं हमारा बॉक्स में फ़ोन कैसे देखने को मिलता है और क्या क्या चीजें मिलता है, सारा चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले दोस्तों यहां पे हमें एक मैसेज देखने को मिल जाता है, हे वेलकम टू Realme फैमिली। और दोस्तों यहां पे डाउन में Realme लिखा हुआ है। ओके, तो यहां पे अभी बॉक्स को निकाल लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो यहां से ओपन होगा और ओपन करते ही दोस्तों यहां पे आपको सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाएगा, जिसके हेल्प से आप अपने फोन के सिम ट्रे को बाहर निकाल सकते हैं। और इसके नीचे डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाता है, लेकिन फ़ोन के अंदर कोई भी कवर नहीं मिलता है। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा रखा हुआ है Realme C12, तो इसे अभी निकाल लेते हैं बाहर। और ये देखिए, ये हमारा ब्लू कलर में है। इसका और एक कलर आता है जो कि सिल्वर कलर है, 3GB रैम 32GB वाला वेरियंट है, वो एक ही वेरियंट है। ओके, आपको परचेस करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे फ़ोन को ऑन कर देते हैं। ये देखिए Realme, और पीछे में दोस्तों यहाँ पे IMEI नंबर का स्टिकर है, इसे भी रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको एक बेटर लुक मिल पाए। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको Realme C12 डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोन के नीचे एक कार्ड देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पे देखिए चार्जर और केबल है। केबल की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको USB to Micro USB केबल देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और आखिरी में दोस्तों यहाँ पे आपको चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिल जाता है, जो कि 10W का चार्जिंग एडाप्टर आता है बॉक्स के साथ। तो फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें मिल जाता है बॉक्स के अंदर। तो अभी आते हैं सीधे फ़ोन की तरफ। तो फ्रेंड्स, फ़ोन हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले फ़ोन की ऊपर साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर 5MP का सेल्फी कैमरा लगा हुआ है। और उसी के ऊपर दोस्तों यहाँ पे एयर स्पीकर भी लगा हुआ है। और फ़ोन की डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। और यहीं फ़ोन की पोर्ट्स की बात करें तो डाउन में दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, प्राइमरी माइक देखने को मिल जाता है, Micro USB पोर्ट दिया गया चार्ज करने के लिए, स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। फ़ोन की राइट हैंड साइड की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बीचों बीच में यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन स्विच देखने को मिल जाता है। ऊपर साइड में दोस्तों यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाता है और बाकी कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिम ट्रे को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कौन सा सिम ट्रे दिया गया है इस फोन के अंदर। यहाँ पे आपको 3SIM देखने को मिल जाता है, जिसमें आप 2 नैनो सिम और 1 SD कार्ड एक ही साथ यूज कर सकते हैं। फोन के बैक साइड में कुछ इस प्रकार से डिजाइन देखने को मिल जाता है, मैट फिनिश के साथ आता है। और ये डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऊपर साइड की बात करें तो यहाँ पे एक स्क्वायर के अंदर 3 कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 13MP+2MP+2MP का कैमरा है। और एक LED फ्लैश है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। बैक दोस्तों यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट है, इस तरीके से आप अगर रफ करते हैं तो यहाँ पे आपको एक आवाज सुनने को मिलेगा। और यहाँ डाउन में देखिए दोस्तों Realme का एक छोटा सा ब्रांडिंग है। ओके, तो ओवरऑल दोस्तों Realme की तरफ से ये नया नया डिजाइन मुझे काफी पसंद आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
फोन की कैमरा इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे नाइट मोड मिल जाता है, वीडियो का मोड मिल जाता है, यहाँ पे फोटो का मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है, और मोड में दोस्तों यहाँ पे स्लो मोशन और टाइम लैप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, मैक्रो शॉट क्लिक कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा फीचर दिया गया है। और वीडियो की बात करें तो यहाँ पे वीडियो आप 1080p पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन के अंदर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको Realme UI वर्जन 1 देखने को मिल जाता है और Android वर्जन 10 देखने को मिल जाता है। ओके, और फोन की प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek का Helio G35 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। फोन में दोस्तों 6000 mAh का बिग बैटरी दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे बैटरी बैकअप आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों फोन में जो चार्जिंग एडेप्टर आता है वो 10W का ही आता है। तो फ्रेंड्स आगे मैं और वीडियो बनाने वाला हूँ, 10W का चार्जर है तो चार्ज करके देखेंगे दोस्तों कितने देर में Realme C12 चार्ज होता है 10W का चार्जर से, और 18W का भी चार्जर से मैं चार्ज करूँगा और दोस्तों बताऊँगा ये फ़ोन कितने देर में चार्ज होता है 18W से, और गेमिंग रिव्यू और भी काफ़ी सारा वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारा वीडियो मिल पाए टाइमली। और फ्रेंड्स इस फोन में आपको फेस लॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। Realme C11 जो फ़ोन लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूं। और दोस्तों आपको अगर ये Realme C12 परचेस करना है तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे आसानी से बाय कर सकते हैं, और सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप अगर चाहते हो मुझे वहां भी फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।